हेलो एवरीवन मैं राहुल आप सभी का विद्यावाटिका के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तो हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन डिस्कस करने से पहले हम आपको डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस वन इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड अनदर वन इज कॉपरेटिंग प्रोसेस जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस को हम कंपीटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं कंपीटिंग प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोसेसेस ना किसी प्रोसेस के थ्रू इफेक्टेड होती हैं ना किसी प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं मींस ये प्रोसेसर के लिए या रिसोर्सेज के लिए खुद कंपीट करती हैं आपस में कोई भी डेटा शेयरिंग नहीं करती हैं सेकेंड वन इज कॉपरेटिंग प्रोसेस कॉपरेटिंग प्रोसेस वो होती हैं प्रोसेस जो एटलीस्ट या तो कोई कोड या डेटा कोई वेरिएबल या मेमोरी आई थिंक रिसोर्स स्पेसिफिक रहेगा रिसोर्स शेयर करते हैं आपस में मींस एक परफॉर्मेंस दूसरे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है या दूसरी परफॉर्मेंस की वजह से इफेक्टेड हो सकते हैं मतलब एक का कोड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे के लिए परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा और दूसरे का अगर हो रहा है तो वो दूसरी प्रोसेस के लिए अफेक्टेड होगा मींस दे हैव टू कोलाट कोलेबोरेट विथ अदर सो वी हैव वी नीड वी हैव टू नीड द कम्युनिकेशन मैथडोलॉजी बाय विच दे कैन कम्युनिकेट ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड मैसेज पासिंग आर द टू मैथड बाय विच दे कैन कम्युनिकेट सो फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर इंटर प्रोसेस कम्युनिक इंटर इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन होता है कि आप किसी शेयर्ड बफर के थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को क्या करते हैं स्टेब्लिश करते हैं मीन्स जो आपकी कॉपरेटिंग प्रोसेसेस होती हैं वो एक शेयर्ड बफर लेते हैं जिसके थ्रू वो अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं वो अपना मैसेज उस बफर में पुट करते हैं और जो दूसरी प्रोसेस होती है वो क्या करती है वहाँ से वो मैसेज को रीड करती है और उस पर रिएक्ट करती है आई जो होता है आई डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रोसेसेस वर्क कर और उनको डेटा चाहिए या किसी एक प्रोसेस का रिजल्ट दूसरे के लिए अगर इनपुट है तो वो आपका वहां से रिजल्ट वो पिक कर लेते हैं आईपीसी जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन बिटवीन देंसेल देंसेल का मतलब यहाँ पर कॉपरेटिंग प्रोसेस का है कि जब कॉपरेटिंग प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ये आपके जो भी आपके डेटा शेयर हो रहे हैं उनका एड्रेस शेयर किए बिना वो आपस में उनको सिंकोनाइज करते हैं आपका डेटा क्या होता है वहां से सिंकनाइज होता है को आप सिंकनाइज करते हैं अब वो सिंकनाइजेशन मेंटेन कैसे होता है उनके जो रिसोर्सेज होते हैं उनका कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन uh, करना उनके बीच में जो भी एग्जीक्यूशन है उनका कोऑर्डिनेट करना और उनको लॉकिंग सीमाफोर म्यूटेक्स लाइकवाइज इनके थ्रू आप क्या करेंगे उन रिसोर्सेस को ऐसा शेड्यूल्ड करेंगे कि एक प्रोसेस एक टाइम पर ही एग्जीक्यूट करे जिससे कम्युनिकेशन आपका फॉल्ट ना आए कम्युनिकेशन में एरर ना आए तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है यूनिकास्ट आईपीसी और दूसरा होता है मल्टीकास्ट आईपीसी यूनिकास्ट आईपीसी का होता है कम्युनिकेशन इज फ्रॉम वन प्रोसेस टू सिंगल प्रोसेस मीन्स इफ पी वन प्रोसेस है उसको कोई भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है इट इज यूनिक तो देन पी वन इज कम्युनिकेटेड विथ पी टू दैट इज यूनिक पी टू इज कम्युनिकेटेड टू पी वन दैट इज यूनिकॉस्ट मतलब आप जितना भी सॉकेट कम्युनिकेशन है वो क्या है आपका यूनिकॉस्ट यहाँ एक प्रोसेस सिर्फ एक ही प्रोसेस से कम्युनिकेट करेगी अब हम बात करते हैं मल्टी मल्टीकास्ट मल्टी क्या होता है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्रोसेस टू ग्रुप ऑफ प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस के थ्रू कई सारी प्रोसेसेस के आ, साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना दैट मीन आप कोई भी आ, पेपर पब्लिश करते हैं या कोई भी सब्सक्राइब करते हैं या वेब वेबसाइट uh, पे आप कुछ भी पब्लिश करते हैं तो एट अ टाइम मोर देन वन यूजर वो क्या करते हैं एक साथ देखते हैं जैसे आप कोई भी चीज़ सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही पोस्ट uh, होता है जैसे आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हैं जैसे ही यहाँ पर कोई भी चीज पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को एक साथ जाता है दैट मीन अगर एग्जांपल देखें पी वन इज कम्युनिकेटेड टू पी टू पी थ्री एंड pn so this is the unicast communication i now why we use इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वी हैव टू यूज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर सो वी हैव टू यूज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन तो फर्स्ट बेसिक नीड है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए जब आप कोई भी दो प्रोसेसिस के बीच में कोई भी डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की नीड होगी शेयरिंग ऑफ डेटा यहाँ पर डिफरेंस क्या है डेटा ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ डेटा डेटा ट्रांसफर मींस वन एक नोड से सिर्फ दूसरे नोड पे आपका डेटा ट्रांसफर होगा या दूसरे नोड से आपके पहले नोड पे ट्रांसफर हो रहा है लेकिन शेयरिंग ऑफ डेटा मींस अ प्रोसेस शेयरिंग दियर एक्टिविटी लाइकवाइज की अगर आप हम ट्रेस करें किसी आप जैसे आप कोई किसी को अपनी लोकेशन शेयर करते हैं लोकेशन जब आप शेयर करते हैं तो वो क्या है कि एक डायनेमिक एंटिटी हो जाती है कि जैसे जैसे आपकी लोकेशन चेंज होती जाती है वो क्या होता है डेटा ऑटोमेटिकली फेच करके आपको शेयर करता रहता है दैट इज शेयरिंग ऑफ डेटा थर्ड थर्ड वन है इवेंट मॉडिफिकेशन जैसे आपने कोई भी एग्जीक्यूशन प्लान बनाया उसके बाद आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं कोई भी इवेंट मॉडिफाई करते हैं वो एट अ टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन आप प्रोसेसिस को एंटीमेट करेंगे कि नेक्स्ट uh, ये आपका चेंज हो गया है या सपोज दैट अगर मैं राउटिंग की बात करूँ जहां पर आप नेटवर्किंग की बात करूँ वहां पर कोई भी एक पाथ ब्रेक हो गया है तो आप क्या करेंगे आप वहां से एक मैसेज प्रोपोगेट कर देंगे तो वो क्या होगा सारे आपके जितने भी नोट्स होंगे उनको एंटीमेट हो जाएगा कि दैट पाथ इज ब्रोकन वी हैव टू कवर दैट पाथ टू अनदर वे नेक्स्ट वन है मैसेज पासिंग इफ यू वांट टू इन्फॉर्म एनी प्रोसेस टू एनीथिंग सो वी यूज मैसेज पासिंग रिसोर्स शेयरिंग नेक्स्ट है आपका रिसोर्स शेयरिंग इफ यू आर यूजिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देयर आर सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड सो वी हैव टू शेयर रिसोर्सेज इन बिटवीन वेरियस प्रोसेस द शड्यूलिंग ऑफ द रिसोर्स द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो प्रोसेसिस के बीच में शेयर कराता है वो किसके थ्रू होगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के होगा जैसे ही प्रोसेस का टास्क कंप्लीट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर लेगा रिसोर्सेज को वहां से रिक्लेम कर लेगा नेक्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है कि आपकी कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका जो डेटा फ्लो है या जो भी आपकी प्रोसेस का आपको इनपुट्स देने हैं उनको कंट्रोल करने का, का काम भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का होता है नेक्स्ट है हाउ वी कैन परफॉर्म द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन so we can perform the inter process communication with the help of pipes socket message passing and shared memory in between the different different processes likewise as earlier i have said the buffer uh, if you uh, you are putting a buffer for the inter process communication so we have discussed in this video types of process वॉट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वाई वी यूज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इट्स ऑल अबाउट द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा अगर अभी भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू हैव अ नाइस डे